नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और यह सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। दोस्तों जो फोन है हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये जो फोन है फुल वन यूआई के साथ आता है। तो फाइनली सैमसंग ने एक ऐसा फोन लॉन्च किया है एम सीरीज में जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें सैमसंग के जो भी एप्स है वो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, जैसे सैमसंग पे, सैमसंग पास, इसके अलावा बिक्सबी रूटीन, बिक्सबी ओएस और साथ ही साथ गुडलॉक भी यहाँ पे वर्क करता है। हालांकि गुडलॉक अभी यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर में शो नहीं करता, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब भी आप यहाँ पे गुड लॉक सर्च करोगे यहाँ पे गुड लॉक शो नहीं होगा। और ये सेम ऐसा ही हुआ था सैमसंग गैलेक्सी F62 में। तो F62 में भी गुड लॉक यहाँ पे शो नहीं करता था गैलेक्सी स्टोर में पहले पहले, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर में शो करने लगा था। तो सेम ऐसा ही होगा M52 के साथ भी। तो कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर में आपको गुड लॉक शो करने लगेगा, आप चेक करते रहिए। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको गुड लॉक डाउनलोड करना है, गुड लॉक के जो मॉड्यूल्स है उन्हें यूज करना है, आपके फोन को अच्छे से कस्टमाइज करना है, तो आप गुड लुक का यूज कर सकते हो, उन मॉडल्स का आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, फाइन लुक को। इसके जरिए आप जो गुड लुक के मॉडल्स है उन्हें लॉन्च कर सकते हो। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है और फिर आपको यहाँ पे ये मॉडल्स के नाम मिल जाएंगे जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हो। लॉक स्टार, क्विक स्टार, रूटीन प्लस, क्लॉक फेस, मल्टी स्टार, नेव स्टार। नाइट शॉट वर्क नहीं करता किसी भी फोन में, तो ये काम का नहीं है। होम अप, नोडी स्टार, बैटरी ट्रैकर, बैटरी गार्डियन, ऐप बूस्टर, फाइल गार्डियन, थर्मल गार्डियन, मेमोरी गार्डियन, थीम पार्क, नाइस कैच, वन हैंड ऑपरेशन प्लस, एज टच, साउंड असिस्टेंट, गुड लॉक, पेंटास्टिक भी वर्क नहीं करता, ये केवल जो नोट सीरीज है उसमें वर्क करता है। वंडरलैंड और किस काफे, मतलब यहाँ पे 22 मॉडल्स ऐसे हैं जो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में उस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे नो मॉडल्स इंस्टॉल यहाँ पे टैप करना है। और यहाँ पे आप एक वेब पेज यहाँ पे ओपन होगा फाइन लुक का और इसमें आपको मिलेंगे मॉडल्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे वन बाय वन सभी को डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक स्टार को आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले, जो होगा वो आप कर सकते हो। और नीचे आना है आपको और यहाँ पे जो वेरियंट लिखा होता है उस पर टैप करना है और फिर यहाँ पे आपको करना है डाउनलोड एपीके। इस तरीके से आपको सभी एपीके को डाउनलोड करना है, ओके करना है और ये डाउनलोड हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर मुझे दूसरा करना हुआ, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है जो गुड लॉक है उसे इंस्टॉल जरूर करना है आपको। अगर ये आप नहीं करोगे तो सभी मॉडल्स काम नहीं करेंगे। तो गुड लॉक को आप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले, फिर आपको जो भी मॉडल्स डाउनलोड करने हैं आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। सेम प्रोसेस करनी है आपको, वेरिएंट के नीचे जो होता है उस पर टैप करना पड़ता है, फिर यहाँ पे डाउनलोड एपीके इस पर टैप करना पड़ता है और फिर यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट होने पर आपको करना पड़ता है ओके। और यहाँ पे जो सभी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आपको सभी को वन बाय वन इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सभी को फिर वन बाय वन इंस्टॉल करना है। इन्हें ओपन नहीं करना है आपको, बस डन करना है सभी को। दोस्तों सभी को इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर वापस जो फाइन लॉक है उस ऐप को ओपन करना है, बैक जाना है और यहाँ पे मेन पेज पे आना है। तो जो भी आपने डाउनलोड किए होंगे यूनिट में आपको शो करेंगे, गार्डियंस में आपको शो करेंगे और फैमिली में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉक स्टार, क्विक स्टार, रूटीन प्लस, क्लॉक फेस, मल्टी स्टार, नेव स्टार, होम अप, नोडी स्टार यूज कर सकते हो। इसके अलावा फैमिली में थीम पार्क, नाइस कैच, वन एंड ऑपरेशन प्लस, एज टच, साउंड असिस्टेंट, गुड लॉक, वंडरलैंड, किस काफे और ये है गार्डियंस गैलेक्सी लैब्स के जो कुछ मॉडल्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करेंगे अगर होम अप की बात करेंगे तो आपको होम अप को ओपन करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है, अलाउ करना है और यहाँ पे इसे ऑन करना है। और अगर आपको टास्क चेंजर का व्यू जो है चेंज करना हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इन्हें सिलेक्ट करना है। आप देखोगे यहाँ पे जो टास्क चेंजर का व्यू है ये चेंज हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करेंगे फाइन लॉक में दूसरे मॉडल की, तो अगर आपको यहाँ पे जो क्विक स्टार है उसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसे ऑन कीजिए, यहाँ पे आपका जो स्टाइल है उसे चूज कीजिए। आपको अगर यहाँ पे ये वाला कलर चूज करना है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और ये हो जाएगा इंस्टॉल। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो क्विक पैनल वही यहाँ पे शो होगा इंस्टॉल होने के बाद, और ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको कुछ प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे थीम्स, आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पैनल चेंज हो चुका है। तो आपको अगर ये करना हुआ तो आप इस पर सिलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे चेंज हो चुका है पिंक और ग्रीन कलर। इस तरीके से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करेंगे किस काफे की, तो आप जो कीबोर्ड से उसमें आप जो इफेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसे ओपन करना है किस काफे को और फिर आपको यहाँ पे करना है स्टाइल,
योर ओन कीबोर्ड, इसे आपको इनेबल करना है। कोई भी जो कलर है आपको यहां पे चूज करना है। अगर आपको ये करना है चूज तो आप इस पे सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए। फिर इसके बाद आपको यहां पे इफेक्ट्स में जाना है, आपको कीबोर्ड कलर का कौन सा इफेक्ट देना है। मुझे अगर ये सिलेक्ट करना हुआ यहां से, फिर ये वाला और यहां से ये वाला, तो अगर मैं यहां पे करूंगा, सिलेक्ट कर दिया मैंने, बस आपको अब देखोगे आप यहां पे कुछ भी अगर आप टाइप करोगे तो आप कीबोर्ड पे गौर करिएगा, कीबोर्ड पे आपको इफेक्ट मिलेगा काफी अच्छा सा। अगर आप यहां पे डार्क थीम इनेबल करोगे तो और काफी शानदार हो जाएगा कीबोर्ड। आप यहां पे देख सकते हो इफेक्ट भी आपको यहां पे काफी अच्छा देखने मिलेगा, इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो। इसके अलावा जो साउंड असिस्टेंट है उसके जरिए भी आप जो साउंड बार है उसे चेंज कर सकते हो। तो यहां पे आपको करना है कस्टमाइज, ऑन करना है, तो आप देखोगे यहां पे जो वॉल्यूम पैनल है ये चेंज हो चुका है। यहां से डायरेक्टली आप जो इक्वलाइजर है उसे भी चेंज कर सकते हो, बेस, ट्रेबल, इंस्ट्रूमेंट, वोकल, कॉन्सर्ट हॉल को आप यहां पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इक्वलाइजर को आप यहां से एडिट कर सकते हो, जो प्रीसेट्स है उन्हें आप यहां पे चेंज कर सकते हो, नॉर्मल, पॉप, यहां पे आप देख सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगा केवल आपके यहां पे एक टैप में जो है वॉल्यूम पैनल में। और आप यहां पे जो कौन कौन सी चीजें आपको शो करनी है आप यहां पे शो कर सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो। और यहां पे जो साउंड असिस्टेंट के जरिए आप यहां पे बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस ऐप का यूज करके जो गुड लुक के अलग अलग मॉडल्स है उन्हें लॉन्च कर सकते हो और अपने यूआई एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और ये सब कुछ आप कर सकते हो बिना रूट के, मतलब आपको अपने फोन को रूट भी नहीं करना है, और सिस्टम लेवल पर जाकर आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो अपने फोन को। हालांकि अभी गैलेक्सी स्टोर में जो गुड लुक है वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद शो करने लगेगा, और फिर आप गुड लुक को ओपन करके ही जो सारे मॉडल्स है उन्हें लॉन्च कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो अभी के लिए अगर आपको यूज करना हुआ तो आपको फाइन लुक में जाकर उन्हें लॉन्च करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।